वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम इनपुट आउटपुट हैंडलिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इनपुट आउटपुट हैंडलिंग फंक्शन क्या है? आमतौर पर जो फंक्शन इस्तेमाल होते हैं वो गेट सी एच ए आर जो है गेट करेक्टर से अखज की गई है यह वर्ड ये फंक्शन जो है, और ये इस्तेमाल होता है हमारे हमसे एक सिंगल करेक्टर लेता है कीबोर्ड के जरिए, और यह एस टी डी आई ओ डॉट एच हेडर फाइल में इस्तेमाल जो है यह डिफाइन की गई है। और इसका सिंटैक्स यह है गेट करेक्टर इन गेट करेक्टर मतलब दिस फंक्शन है नो पैरामीटर, और फुट करेक्टर जो है ये भी एस टी डी आई ओ डॉट एच हेडर फाइल में जो है इस्तेमाल डिफाइन की गई है। और ये स्क्रीन पर हमें एक करेक्टर डिस्प्ले करता है, लेकिन इसमें आर्गुमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम एक करेक्टर की वैल्यू वेरिएबल लिखते हैं, जो करेक्टर वेरिएबल हमने डिफाइन की है उसमें वैल्यू से होगी या करेक्टर डायरेक्ट यहाँ पर करेक्टर लिखे सिंगल कोट्स के अंदर, तो ये वही करेक्टर आउटपुट करता है। इसका सिंटैक्स ये है, और इसके पुट सी एच ए आर हमने लिखा है और स्मॉल ब्रैकेट में सी एच लिखा है। सी एच जो है ये करेक्टर वेरिएबल है, और ये इसमें एक करेक्टर की वैल्यू से होगी करेक्टर कांस्टेंट की। हमारे साथ यहाँ पर एग्जांपल है, इसमें आपको गेट सी एच ए आर और पुट सी एच ए आर की समझ आ जाएगी। हमने मेन के बाद एक करेक्टर ली है सी एच वेरिएबल, करेक्टर वेरिएबल ली है सी एच नाम से, बाद में इस तरह का स्ट्रिंग प्रिंट होगा इंटर करेक्टर पर जेंडर, जेंडर के लिए करेक्टर आप प्रिंट करेंगे, तो आप जो करेक्टर प्रिंट करेंगे वो सी एच के बराबर होगा जो करेक्टर वेरिएबल हमने लिए है। यू हैव एंटर पुट करेक्टर, ये पुट करेक्टर सी एच की वैल्यू हमारे साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, आउटपुट कुछ ही आएगा। पहले एंटर करेक्टर पर जेंडर हमने एम लिखा है, यू हैव एंटर एम मतलब एम पर मेल। यह प्रोग्राम जो है ये एक करेक्टर रीड करता है कीबोर्ड से गेट सी एच ए आर फंक्शन के जरिए, और वही करेक्टर सी एच को असाइन करता है वेरिएबल को जो हमने सी एच करेक्टर वेरिएबल ली है। और बाद में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एस टी डी आई ओ का जो फंक्शन है पुट सी एच ए आर, उसके फंक्शन के जरिए वही करेक्टर की वैल्यू हमारे साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इनलाइन फंक्शन और सेट डब्ल्यू सेट विद मैनिपुलेटर फंक्शन जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और लाइक करें हमारी वीडियो को।